नमस्कार, एनपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की मंत्रालय में विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एंटोनी डिसा ने राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना पर आयोजित फीडबैक सत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को किया सम्मानित। और उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की चित्रकूट में 24 से 27 फरवरी तक लगने वाले ग्रामोदय मेले की तैयारियों की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाना है, इसका रोड मैप बनाया जाए। उन्होंने समय सारणी बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री गुरुवार को मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कुसुम महदेले और मुख्य सचिव वीपी सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि विधानसभा का बजट सत्र सरकार के जनकल्याण और विकास कार्यों से आमजन को अवगत कराने का उपयुक्त अवसर है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की विभिन्न विधाओं के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों से सदन को अवगत कराया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक में दीनदयाल और IPDS योजना की समीक्षा की। उन्होंने खंडवा स्थित ताप विद्युत ग्रह की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी के नए उपकेंद्रों की प्रगति और भार वृद्धि संबंधी गतिविधियों के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की। निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्ष होने के साथ ही निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। पूर्व मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने यह बात राज्य निर्वाचन आयोग के 23वें स्थापना दिवस पर पंचायत एवं नगरीय निर्वाचन फीडबैक एवं सीख सत्र में कही। उन्होंने कहा कि गत 3 वर्ष में आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि सत्र में निर्वाचन के दौरान आई चुनौतियों से निपटने के तरीके को शेयर करें, इससे आने वाले निर्वाचन में लाभ मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए EMS TV के साथ।